केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मंत्री सुनील भरालन ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धन व असहाय लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, वे इतिहास में दर्ज हो गई हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की घोषणा के साथ ही यूपी में 80 लाख निराश्रित लोगों को छत देने का काम योगी व मोदी सरकार ने किया है। आज मेरठ विकास की रोज नई गाथाएं लिख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के सपनों को मेट्रो नई उड़ान देने के लिए तैयार है। यूपी के साथ ही मेरठ भी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। सुनील भराला आज अपार चैम्बर में झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के बैनर तले आयोजित चिंतन सम्मेलन व श्रमिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर तमाम लोगों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए निवर्तमान मंत्री सुनील भराला ने यह कहा। आज राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी की 103वीं जयंती झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन सलम फाउंडेशन के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम सबको यहाँ आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से पूर्व विधायक अपने श्री हरपाल सैनी जी और भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री हमारे ऐसे शंकर लाल जी, हम यहाँ पर सभी लोग आज, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ऋतुराज जी और सभी यहाँ पदाधिकारीगण मौजूद थे। आज दत्तोपंत ठेकड़ी जी की जीवन पर प्रकाश डाला गया और श्रमिकों के उत्थान और कल्याण को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। आज ये भी विषय बहुत जोर शोर से उठा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से जो योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, वो निश्चित रूप से एक बड़ा सराहनीय कार्य है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे 88 लाख परिवारों को जो घर देने का काम किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, एक इतिहास है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इन योजनाओं को जो क्रियान्वयन किया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जो ऐसे लोग थे जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते थे, जो परिवार थे जिनको आवश्यकता थी छत की, घर की, ऐसे परिवारों की, वो सारा कुछ करने का जो काम किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम सरकार में, यानी कि 2014 में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया और लागू की, उनका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। वो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र ऋषि जो श्रमिकों के चिंतक थे, जिन्होंने एक विचार दिया, ऐसे दत्तोपंत ठेकड़ी जी की बात को आगे बढ़ाया और आज उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज मेरठ पर भी चर्चा हुई है कि जो मेरठ में ऐसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो परिवार अभी रह रहे हैं, जो बचे हैं, उनकी भी चिंता करनी है और उनके घर पे छत लगवानी है, उन्हें घर के अंदर लेके जाना है, उन परिवारों के चेहरे पे भी खुशी लानी है, ये भी संकल्प लिया गया। हम सब लोग मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके लिए काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।